अब तक गुरुजी ने रुद्राक्ष और रेवा को बताया कि वो उनके दादाजी ही उन्होंने तुम दोनों को बचपन में को दिया था और अब जाके तुम्हें पाया है। वो तुम्हें यह से ले जाने आए हैं डॉट। पिछले जन्म में ये बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं आए क्योंकि उसका चेहरा हमेशा से ही भावहीन होता था, पर रेवा तो लगी थी और आश्रम छोड़ के न जाने की जिद करे लगी थी। तब बहुत मुश्किल से उसे सबने मनाया था डॉट, पर इस बार बात कुछ और थी। इस बार भी रुद्राक्ष भावहीन खड़ा था और रेवा रो रही थी, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चला सिवाय रुद्राक्ष के। रेवा को रोता देख उसने उसक है पकड़ लिया। वो दोनों जाने के लिए मन गए डॉट। रुद्राक्ष और रेवा आश्रम से सबका आशीर्वाद लेके निकल गए अपनी मंजिल की ओर, जहां उनके कुछ अपने तो उनके कुछ अपनों के भेस में छुपे दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे डॉट। अब आगे पूरे दिन के सफर के बाद गाड़ियां एक महल जैसे घर के अंदर जाने लगी। तब तक शाम हो चुकी थी। ढलते सूरज की लाल रोशनी में वो सफेद रंग का महल सोने की तरह चमक रहा था। उस महल के गेट पे सुंदर सी नेम प्लेट लगी थी जिसपे लिखा था रावत मेंशन। सभी गाड़ियां मेंशन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। गाड़ियों के रुकते ही एक नौकर ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। उसमें से पहले दादाजी बाहर निकले, फिर रुद्राक्ष और रेवा भी इसी गाड़ी से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा एक 35 से 40 साल की बहुत ही सुंदर औरत हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने, हाथों में आरती की थाली और चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि कुसुम रावत थी, और उनके पीछे हाथों में उनकी साड़ी के पल्लू की आड़ में एक 5 से 6 साल की लड़की खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए रुद्राक्ष और रेवा को अपनी चोर नजरों से देखने की कोशिश कर रही थी। खास कर रेवा कोडोट फेल्स बैक। घर आते वक्त दादाजी रुद्राक्ष और रेवा को परिवार में कौन कौन ही ये बता देते हैं। वो बताते ही कि उनके दादाजी यानी कि वो राजेंद्र रावत और दादी जी रुक्मणी रावत है डॉट। वही उनके बड़े पापा महेंद्र रावत उम्र 50 साल, उनकी पत्नी वैशाली रावत उम्र 45 साल, उनका बेटा यानी तुम्हारा कजिन भाई आकाश रावत उम्र 18 साल, उनकी बेटी रूपाली रावत उम्र 17 साल, उनकी बुआ मालिनी अग्रवाल उम्र 47 साल, फुफा जी केशव अग्रवाल उम्र 52 साल, उनकी बेटी रित्वी अग्रवाल उम्र 19 साल और बेटा विजय अग्रवाल उम्र 18 साल है। उनके पिता प्रताप रावत उम्र 45 साल है और मां का नाम महिमा रावत उम्र 45 साल है। वो ये भी बता देते ही कि उनके किडनैप होने के बाद उनकी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उनकी मौत हो गई। फिर उनके पिता ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी की थी। उनकी छोटी माँ का नाम कुसुम रावत उम्र 40 साल है और उनकी एक बेटी भी ही जो कि अभी 6 साल की है, उसका नाम मही है डॉट। फ्लैश बैक एंड। रुद्राक्ष और रेवा को कुसुम जी को बिना भाव के एक तक देखते देख कर दादाजी उन्हें होश में लाकर आगे बढ़ने को बोलते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और कुसुम जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो जान कुसुम जी के पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ और जाने पहचाने चेहरे दिखाते हैं, पर उन्हें देखकर भी उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं दिखाते। वो दो बस भावहीन चेहरे के साथ सबको देखे जा रहे थे। उन्हें ऐसे सबको देखता देख दादाजी ने गला साफ करते हुए उन्हें कहा, ये कुसुम है तुम्हारी माँ। तभी पीछे एक एक मीठी पर चापलूसी से भरी आवाज आई, लगाता है सौतेली कहना भूल गए दादाजी, ये कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी डॉट। उसकी बात सुनकर दादाजी ने अपनी भोगे सिकोड़ ली। वही रुद्राक्ष और रेवा को देखा कर कुसुम जी जो मुस्कुरा रही थी वो मुस्कुराहट एकदम से फिकी पड़ गई। दादाजी के गुस्से को देखकर दादी जी रुक्मणी जी ने कहा,
इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? बच्ची ने जो कहा वो सही ही कहा है। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है कि महिमा की मौत के कुछ सालों बाद ही प्रताप इससे शादी इसे हमारे घर ले आया। माँ कहने बात चुप तो नहीं जाएगी ना। रुक्मणी जी की बात सुनकर कुसुम का चेहरा रुआसा हो गया। उन्हें देखकर लग रहा था वो अभी ही रो देगी। मही को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो तो बस एक तक रेवा को ही देखे जा रही थी। डॉट रुद्राक्ष और रेवा के लिए ये नया नहीं था। पिछले जन्म में भी उनका स्वागत इसी हुआ था, पर तब उनको दादी की बात सुनकर लगा कि उनके पापा ने उनकी माँ को धोखा दिया ही और उन्होंने कुसुम जी को एक नजर देखे बिना ही घर के अंदर चले गए थे, जिससे कुसुम जी को बुरा भी बहुत लगा था। पर अब बात कुछ और थी। रुद्राक्ष और रेवा ने सबके असली चेहरे देख लिए थे और उन्हें अब ये भी पता चल गया था कि किसे उनकी सच में परवाह है और किसे नहीं। रुद्राक्ष और रेवा ने दादी जी के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और एक नजर कुसुम जी को दिखकर दोनों की आंखों में एक पल के लिए चमक उतर आई, पर उन्होंने उसे छुपा लिया। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ झुककर कुसुम जी के पैर छू लिए। डॉट ये देख सब हैरान रह गए, क्योंकि रूपाली ने सोचा था सौतेली माँ वाली बात से उन्हें बुरा लगेगा और वो लोग कुसुम को नहीं अपनाएंगे। असल में उसकी ये ट्रिक पिछले जन्म में काम आ भी गई थी। डॉट रुद्राक्ष और रेवा से इस रिएक्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, खुद कुसुम जी ने भी नहीं। कुछ देर बाद जब कुसुम जी ने होश संभाला तब भी वो दोनों उनके पैरों में ही झुके हुए थे। कुसुम जी ने तुरंत अपना एक हाथ दिनों के सर पे बारी बारी से फिराया और उन्हें खड़ा होने के लिए कहा। डॉट अब तक कुसुम जी के आंखों रुके आंसू बहना शुरू हो चुके थे, पर ये दुहक के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। वो तो बस अपनी अंशु भरी नजरों से रुद्राक्ष और रेवा को देखे जा रही थी। उनका रिएक्शन देख रुद्राक्ष ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर उनके हाथों में पकड़ी थाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये हमारे लिए है माँ? उसकी मधुर आवाज सुन कुसुम जी होश में आई और अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने जल्दी से रुद्राक्ष और रेवा के माथे पे तिलक किया और उन दोनों की आरती उतारने लगी। आरती उतारने के बाद कुसुम जी ने उनके माथे पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को फेंका और अपने हाथों में पकड़ी पूंजा की थाली पास खड़ी एक सर्वेंट के हाथ में देकर अपने दोनों हाथों ने रुद्राक्ष और रेवा का एक एक हाथ पकड़कर उन दोनों को एक साथ घर में ले आई। इन सभी के बीच रेवा की नजरें मही पर जाती है, जिसने ने कुसुम जी का पल्लू एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा था और एक तक रेवा को देखे जा रही थी। डॉट रेवा ने थोड़ा मुड़कर उसे देखा, तभी दादाजी ने आगे आते हुए कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन ही मही। ये सुनते ही रेवा मही के सामने जाके उसके घुटनों पर बैठ गई और मही के एक गाल पर प्यारी सी किस कर लेती है। ये देखकर दादाजी और कुसुम जी के तुलिये का ठिकाना ही नहीं रहता, और हमारी मही तो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वो तो खिलखिला के हंसते हुए रेवा के गले लगकर बोली, ये पारी माँ आ गई, अब मही को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन रुद्राक्ष और रेवा उसे आश्चर्य से देखाने लगते हैं। डॉट टू बी कंटिन्यूड। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करें। स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।